सोएब इब्राहिम की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्टर में होती है। ऐसे में अब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ससुराल सिमर का शो से सोएब इब्राहिम घर घर में पॉपुलर हुए थे और हर तरफ उनके चार्मिंग लुक्स की चर्चा होने लगी थी। सोएब की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी है। आखिरकार क्यों इनकी पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा सुर्खियों में रही, ऐसा क्या था और इसके साथ साथ इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और अनसुनी अनकही बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सोएब इब्राहिम का जन्म 20 जून 1987 को मध्य प्रदेश में हुआ था और साल 2022 के हिसाब से ये हैं 35 इयर्स के। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन हिल्स पब्लिक स्कूल भोपाल से कंप्लीट की है। इसके बाद इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। सोएब इब्राहिम मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। बात करें इनके फैमिली की तो इनके फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है सबा इब्राहिम। अपने बीटेक की स्टडी करते टाइम ही ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गए और कई सारे थिएटर किए। सोएब ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत इमेजिन टीवी के सीरियल रहना है तेरी पलकों की छांव में करण प्रताप के कैरेक्टर को प्ले करते हुए साल 2009 में इन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2011 में इन्होंने कलर्स टीवी के सीरियल ससुराल सिमर का में प्रेम भरद्वाज के लीड कैरेक्टर को प्ले किए थे और इस सीरियल में इनके ऑपोजिट में थी दीपिका कक्कड़। इस सीरियल से ही इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और इस सीरियल में प्रेम भरद्वाज यानी कि सोएब और दीपिका कक्कड़ की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाने लगा। इन दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती थी। इसके बाद सोएब ने स्टार प्लस के एक और शो कोई लौट के आया है में अभिमन्यु और आदित्य सिंह राठौर के दो कैरेक्टर को प्ले किए थे। ये टेलीविजन सीरियल्स के अलावा कई सारे डांस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इन्होंने डांस रियलिटी शो नच बले सीजन 8 में पार्टिसिपेट लिया था और इस शो के ये 4 फाइनलिस्ट भी बने थे। इसके बाद ये साल 2018 में शो कुमकुम भाग्य और रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 में अजा गेस्ट नजर आए थे। इसके साथ साथ ये और भी कई सारे पॉपुलर टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं जैसे इश्क में मर जावा और भी कई सारे। इन दिनों सोएब स्टार भारत के सीरियल अजोनी में राजवीर बग्गा के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और इस सीरियल में इनके ऑपोजिट है आयुषी खुराना। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी तो सोएब मैरिड हैं। बात करें इनके लव लाइफ की तो साल 2011 में आई सीरियल ससुराल सिमर से ही सोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। पहली बार दोनों स्टार की मुलाकात सीरियल के सेट पर हुई थी। इस शो में दोनों ने कपल के कैरेक्टर को प्ले किया था और इस समय दीपिका अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में थी क्योंकि दीपिका उस समय पहले से ही शादीशुदा थी और लेकिन इनके पहले हस्बैंड के साथ इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसके बाद दीपिका अपने पहले हस्बैंड से ये 2015 में अलग हो गई और सीरियल ससुराल सिमर में काम करते समय ही सोएब इब्राहिम और दीपिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर ये अच्छे दोस्त बने। फिर इन्होंने एक दूसरे को लगभग 3 साल तक डेट किया था, जिसके बाद दीपिका को सोएब ने नच बलिए के सेट पर ही प्रपोज किया था। फौरन दीपिका ने सोएब को हाँ भी कर दिया था, जिसके बाद इस दोनों कपल ने शादी कर ली। इन दोनों के रिश्ते को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे क्योंकि सोएब जहाँ मुस्लिम थे तो वहीं दीपिका हिंदू थी, जिस वजह से इन दोनों को काफी कंट्रोवर्सियों का भी सामना करना पड़ा था। बात करें इनके हाउस की तो सोएब इब्राहिम अपनी वाइफ और फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई में इनका खुद का एक आलिशान घर है। वहीं आपको बता दिए गाड़ियों के भी काफी शौकीन है और इनके पास कई सारे लग्जरी कार के कलेक्शन है और इनकी पहली कार कलेक्शन में है टोयोटा फॉर्च्यूनर। बात करें इनके इनकम की तो इनका इनकम टीवी सीरियल्स और ब्रांड प्रमोशन से होता है और ये अपने एक एपिसोड में काम करने के लिए लगभग 40,000 से लेकर 50,000 तक चार्ज करते हैं। बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की तो ये 2022 के अकॉर्डिंग इनका टोटल नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।